जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,72,140 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,486 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,36,585 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार प्रदेश में अब तक 56,26,897 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक है। कल प्रयोगशालाओं को लगभग 35,000 सैंपल भेजे गए थे आरटीपीसीआर के। आप जानते हैं कि आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट और सीबीनेट टेस्ट मिलाकर के प्रदेश में टेस्ट किए जाते हैं और कल 1,36,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। जो कुल 54,788 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, इनमें से 27,263 लोग होम आइसोलेशन में, लगभग 50% लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठा रहे हैं और अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 1,00,000 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं, उसका विकल्प ले चुके हैं। 1,06,82 लोगों ने अब तक होम आइसोलेशन का विकल्प लिया है और इनमें से 73,419 लोग अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 2,657 लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1 प्लस कैटेगरी में 260 लोग चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स सरकार ने सृजित करवाए हैं कोविड के लिए। और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोविड और नॉन कोविड को मिक्स नहीं किया जाता। जो भी कोविड हॉस्पिटल है उसमें केवल कोविड का ही इलाज होता है और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है उसमें केवल नॉन कोविड का ही इलाज होता है। तो सरकार ने 1,51,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था की है जहां निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। इसके अतिरिक्त लोगों के पास अगर वो लक्षण विहीन हो संक्रमित होने के पश्चात तो अपने घर पर रह करके होम आइसोलेशन का भी विकल्प उपलब्ध है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।